नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पे। गरीब आदमी मरता रहता है, बिहार में जहरीली शराब मामले पर बोले जेडीयू विधायक। बहराइच कांड के सभी आरोपियों की ACJM के घर हुई पेशी। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बदला अपना फॉर्मूला, प्रदेश अध्यक्ष बोले आज परिस्थितियां अलग है। बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रोकथाम के लिए बने कानून में कई खामियां, CJI बोले अवेयरनेस की जरूरत। सलमान खान को फिर मिली धमकी, मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया, कहा बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। JDS नेता भवानी रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार। नवाज शरीफ बोले जयशंकर का दौरा एक शुरुआत, 75 साल बर्बाद किए, अब आगे सोचे, इमरान की वजह से भारत से रिश्ते और खराब। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को उमर कैबिनेट की मंजूरी, मुख्यमंत्री उमर पीएम मोदी से 2 दिन में मुलाकात कर ड्राफ्ट सौंपेंगे। गहलोत बोले चुनाव आयोग का रवैया अच्छा नहीं, गठबंधन पर फैसला हाईकमान करेगा, वहीं राजस्थान में हम सब मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जम्मू कश्मीर शोपियों के जैनपोरा में आतंकियों ने की गैर कश्मीरी युवक की गोली मारकर हत्या, मौके पर पहुंची सेना। सुप्रीम कोर्ट से सदगुरु के ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत, बंधक मामले में हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया। एकनाथ शिंदे के बेटे पर महाकाल मंदिर में नियम तोड़ने का आरोप, गर्भगृह में की पूजा अर्चना। IAS संजीव हंस के ठिकानों पर ED की ताबड़तोड़ छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में की गई कार्यवाही। बाल विवाह निषेध कानून को नहीं रोक सकते पर्सनल लॉ, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। 15 साल पुराने विवाद के बीच हनी सिंह ने फिर उड़ाया बादशाह का मजाक, कहा ऐसे लिरिक्स से बनेगी तकदीर। बेंगलुरु टेस्ट में रचिन रविंद्र का दमदार शतक, पहली पारी में न्यूजीलैंड का स्कोर 350 के पार। न्यूजीलैंड को लगा 8वां झटका, 65 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बने टीम साउथ। 5 करोड़ दो वरना बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेंगे, सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से फिर मिली धमकी। CM बनते ही एक्शन में उमर अब्दुल्ला, कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित। बहराइच कांड, सभी 6 आरोपियों को मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत। इस टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।